हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है आज हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे इसे लास्ट क्लास में हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड और सिग्नल फ्लो ग्राफ ब्लॉक डायग्राम से कैसे ड्रॉ करना है इक्वेश्स किवन है तो उनसे कैसे ड्रॉ करना है उनको ड्रॉ करने के रूल्स क्या क्या हैं ये सब सीखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सकें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है अब लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़े थे अब ये जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को शॉर्टन करके उसको इजीली रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिग्नल फ्लो ग्राफ जिससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल सकते हैं तो जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें समिंग पॉइंट्स होते हैं टेक ऑफ पॉइंट्स होते हैं और ट्रांसफर फंक्शन के ब्लॉक्स जो होते हैं वो सबको एलिमिनेट करके कंट्रोल सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन को शॉर्टन करके उसको शो करने का मेथड है सिग्नल फ्लोग्राफ जिससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन और इजीली निकाल सकते हैं ठीक है अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं ये एक एग्जाम्पल है ये सिग्नल ग्राफ है जिसको एस भी बोला जाता है तो ब्रांच क्या होता है इट इज द लाइन ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग टू नोट्स यहाँ पे जो रेड सर्कल्स हैं, ये नोट्स को शो कर रहे हैं तो यहाँ पे नोट्स कितने हैं X1, X2, X3, ये नोट्स हैं। ठीक है अब ब्रांच क्या होगा जो दो नोट्स को कनेक्ट कर रहा है एक लाइन के थ्रू तो यहाँ पे कितने ब्रांचेस होंगे तीन ब्रांचेस होंगे x1, x2 एक ब्रांच है दूसरा x2, x3 एक ब्रांच है अब यहां पे देखिए x3 से एक सिग्नल x2 में भी जा रहा है तो x3 x2 भी एक ब्रांच होगा तो यहां पे तीन ब्रांचेस होंगे ठीक है जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं फिर सोर्स नोड सोर्स नोड क्या होता है ये एक ओरिजिनेटिंग नोड होता है जहां से सिग्नल हमेशा निकलता है तो आउट गोइंग हम लोग इसमें लगाते हैं जैसे कि एक्स वन जो है ये इनपुट नोड है यहाँ पे आउट गोइंग ब्रांच यहाँ पे लगा हुआ है तो ये वाला जो ब्रांच होता है एक्चुअल में इनपुट सिग्नल को ओरिजिनेट करने वाला होता है जहां से इनपुट सिग्नल हमारा निकलता है तो इसको इसलिए सोर्स नोड या फिर इनपुट नोड भी बोलते हैं तो यहाँ पे सोर्स नोड क्या है एक्स वन नेक्स्ट आउटपुट नोड है यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो है सबसे वाला को बोलते हैं जिसमें है. यहाँ पे सिग्नल एंड होता है इसीलिए इसको एंड नोड या आउटपुट नोड या सिंक बोलते हैं तो यहाँ पे एक्स थ्री जो है ये आउटपुट नोड है फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ क्या होता है द उटपुट नोट मतलबुट नोट होती है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन तो में जा रहा है एरो से दिख रहे हैं हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो है यह फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे नेक्स्ट पाथ गेन पाथ गेन में हम लोग को सबसे पहले पाथ निकालना पड़ेगा तो हम लोग का फॉरवर्ड पाथ क्या था x1, x2, X3 था इसका गेन कैसे निकालेंगे अब इस पाथ में जितने भी गेन टर्म्स आ रहे हैं या फिर गेंस को हम लोग ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के टर्म्स में तो यहाँ पे गेन क्या है एक्स x1 x2 का गेन ए है एक्स टू X3 का गेन क्या है B है तो यहाँ पे path क्या लिया लिया। हमने X1, X2, X3 लिया. तो इसका गेन एंटू बी अब लूप देख लेते हैं इट इज क्लोज पाथ विच ओरिजनेट फ्रॉम ए नोड एंड टर्मिनेट्स एट द सेम नोड तो यहाँ पे देखिए एक लूप दिया हुआ है X2 पे एंड हो रहा है ये वाला लूप और X2 पे स्टार्ट हो रहा है ठीक है और X2 पे ही एंड हो रहा है कौन सा लूप BC लूप जो है इसका गेन क्या है इस लूप का BC है तो लूप यहाँ पे कैसे लिखेंगे ये जो ट्रांसमिटेंसिस है उसी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो लूप यहाँ पे क्या है BC ठीक है क्योंकि X2 पे स्टार्ट हो रहा है और X2 पे ही एंड हो रहा है अब नेक्स्ट आता है सेल्फ लूप सेल्फ लूप के लिए हम लोग एक और सिग्नल ग्राफ ले लेते हैं इसमें सेल्फ लूप क्या होता है इट ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट द सेम नोड विथ नो इंटरमीडिएट पार्ट ट्रेवर्स मतलब इसमें एक नोड होता है जहां से ये लूप जो है शुरू होता है वहीं पर एंड होता है लेकिन इसमें कोई भी इंटरमीडिएट पाथ नहीं होता बीच में कोई पाथ नहीं होता इसमें और बीच में कोई नोड भी नहीं होता ठीक है तो ये जो पाथ हम लोग को दिख रहा है ये एक्स वन से शुरू हुआ एक्स टू पे सॉरी एक्स वन पे शुरू हुआ पे ही एंड हो रहा है ठीक है मतलब ये जो बी लूप है ये सेल्फ लूप है इसमें इंटरमीडिएट नोड भी नहीं है और इंटरमीडिएट पाथ भी नहीं है नेक्स्ट नॉन टचिंग लूप्स नॉन टचिंग लूप्स ऐसे लूप्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते तो यहाँ पे दो लूप्स दिया हुआ है देखिए बीसी एक लूप है और ई एफ एक लूप है तो नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं जिसमें कोई कॉमन ब्रांचेस नहीं होते और कोई कॉमन नोड्स नहीं होते तो यहाँ पे देखिए कोई भी नोड कॉमन नहीं है और ब्रांचेस भी कॉमन नहीं है अगर ये लूप्स ऐसे होते तो ये होते टचिंग लूप्स क्योंकि इसमें ये वाला जो नोड है ये दोनों के लिए दोनों लूप्स के लिए कॉमन है तो ये नॉन टचिंग नहीं होंगे ये नॉन टचिंग होंगे इस एग्जाम्पल में तो यहां पे नॉन टचिंग लूप क्या है बी सी एंड ई एफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नलो फ्लोग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सिग्नल फ्लोग्राफ का वेरिएबल्स होते जो हैं सिग्नल फ्लोग्राफ में जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ए बी सी डी जिससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग तो ये जो वेरिएबल्स हैं और समिंग पॉइंट्स जो होते हैं ब्लॉक डायग्राम्स में और टेक ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं ब्लॉक डायग्राम में इस सब को जो है नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांसफर फंक्शन जिसको जीएस से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे ए बी सी डी से भी रिप्रेजेंट होता है तो ट्रांसफर फंक्शन जो है उसको लाइन और ब्रांच से शो किया जाता है और सिग्नल फ्लो को हम लोग एरो के थ्रू शो करते हैं नेक्स्ट है रूल्स फॉर ड्रॉइंग सिग्नल फ्लोग्राफ फर्स्ट रूल है द सिग्नल ट्रेवल्स एलोंग द ब्रांच इन ऑल इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो मतलब जैसे कि ए इनपुट नोड है बी आउटपुट नोड है तो यहाँ पे क्या लिखा है सिग्नल ट्रेवल्स एलोंग द ब्रांच इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो यहाँ पे एरो लगा दिया हमने तो एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है तो सिग्नल कहाँ से फ्लो होगा ए से फ्लो होगा और बी तरफ जाएगा यही बोला है इसमें सेकेंड पॉइंट द इनपुट सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसमिटेंस टू ऑप्टेन आउटपुट सिग्नल तो यहाँ पे इसका गेन जो है हम लोग जी ले लेते हैं इसको ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं तो हम लोग मान लेते हैं ए जो है इनपुट सिग्नल है बी आउटपुट सिग्नल है तो इसमें क्या बोला है आउटपुट सिग्नल बी विल बी इक्वल टू ट्रांसमिटेंस मतलब जी मल्टीप्लाइड बाय इनपुट सिग्नल मतलब ए होगा थर्ड रूल द सिग्नल एट द नोड इज द सम ऑफ ऑल सिग्नल एंटरिंग एट दट नोड जैसे कि एक नोड दिया हुआ है एक्स इसमें बहुत सारे सिग्नल्स एंटर हो रहे हैं आर वन आर टू आर थ्री ठीक है तो जो नोड पे सिग्नल है जैसे कि सी सिग्नल है वो क्या होगा सम ऑफ़ ऑल सिग्नल एट मतलब इक्वल टू प्लस प्लस होगा सारे का सम होगा जो एंटर कर रहे हैं नोट पे आउटपुट सिग्नल जो भी होगा वो सारे एंटरिंग सिग्नल्स का सम होगा नेक्स्ट ए नोट ट्रांसमिट सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शन लिविंग डेट नोड जैसे कि एक नोड है इसमें बहुत सारे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं तो नोड क्या ऐसे इस पॉइंट से क्या है कि ये जो नोड है एक्स ये ये सारे सिग्नल्स को आर वन आर टू आर थ्री सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं लेट एक्स टू इज इक्वल टू ए एक्स वन अब मैंने क्या बोला अभी रूल में कि आउटपुट सिग्नल इज इक्वल टू ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लाइड बाय इनपुट सिग्नल होता है तो यहाँ पे आउटपुट क्या है एक्स टू है इनपुट क्या है एक्स वन है और ए क्या है ट्रांसमिटेंस और गेन है तो इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनेगा x1 इनपुट है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x2 आउटपुट है राइट हैंड साइड में और गेन या फिर ट्रांसमिटेंस को हम लोग ब्लॉक में शो करते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में तो इस तरह से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है अब इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं दो नोट्स बना देंगे इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के लिए अब गेन को या फिर ट्रांसमिटेंस को कैसे शो करते हैं हम लोग एक सिंगल लाइन से तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे और सिग्नल फ्लो के लिए एरो लगा देंगे तो ये जो है हम लोग का इसका एस एफ जी है सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो यहाँ पे एक्स वन क्या है इनपुट नोड एक्स टू आउटपुट नोड है और ए जो है ट्रांसमिटेंस है नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स जीरो प्लस बी एक्स वन देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए एक्स जीरो और एक्स वन तो क्या होता है सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट जो होता है सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट नंबर जो होता है वेरिएबल पे उसको हम लोग इनपुट नोड लेते हैं इक्वेशन अगर दिया है तो और सबसे बड़ा जो नंबर होता है सब्सक्रिप्ट में उसको हम लोग आउटपुट नोड लेते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है एक्स वन है तो इसको आउटपुट नोड लेंगे और एक्स जीरो को इनपुट नोड लेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स जीरो प्लस बी एक्स वन इसका मतलब एक्स जीरो इनपुट है और एक्स वन आउटपुट है तो इसका ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनेगा ए एक्स जीरो मतलब ए इंटू एक्स A X0 है, मतलब ए इंटू एक्स जीरो मतलब एक ये ए जो है गेन है फॉरवर्ड पाथ गेन है तो एक ब्लॉक से शो करेंगे फिर ये प्लस हो रहा है इसके लिए समिंग पॉइंट लगाएंगे ठीक है अब दूसरा जो सिग्नल है वो बी एक्स वन है अब ये आउटपुट नोट से आ रहा है मतलब ये फीडबैक सिग्नल है तो ये फीडबैक होगा पॉइंट पे? पे तो इस तरह से बनाना है अब क्या है यहाँ पे लूप तो क्रिएट होगा अगर फीडबैक होगा लेकिन यहाँ पे बी दिया हुआ है मतलब यहाँ पे जो लूप गेन है वो बी इंटू वन है तो इसीलिए यहाँ पे वन का ब्लॉक हम लोगों ने शो किया है आप चाहे तो नहीं भी शो कर सकते हैं इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको ठीक है तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया अब नेक्स्ट हम लोग इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनेगा X0 और X1 वन पहले ड्रॉ कर लीजिए उसके बाद दोनों को एक लाइन से जोड़ दीजिए अब दोनों के बीच में जो है गेन क्या है A है ट्रांसमिटेंस A है इसका कोई यूज नहीं है ये सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है इसीलिए हम लोगों ने A लगाया यहाँ पे फिर ये जो B ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है फीडबैक गेन दिया हुआ है ये x1 से शुरू हो रहा है और इसको अगर सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें हम ऐसे तो ये फिर से यहीं से स्टार्ट होके यहीं पर एंड हो रहा है x1 से स्टार्ट होके x1 पे ही एंड हो रहा है b जो है इसीलिए यह सेल्फ लूप होगा तो इस तरह से इसका जो है सिग्नल फ्लो ग्राफ बनेगा ठीक है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां का गेन जो है हमारा वन है इसीलिए अब इसको सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ जो है आउटपुट वेरिएबल एक्स जीरो इनपुट वेरिएबल है इज फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसमिटेंस बी क्या है लूप ट्रांसमिटेंस कहलाता है अब ये ब्लॉक डायग्राम गिवेन है हमारे पास इसमें फॉरवर्ड पाथ दिया हुआ है इस क्लोज्ड लूप सिस्टम का ये क्लोज्ड लूप सिस्टम है इसका फॉरवर्ड पाथ गेन दिया हुआ है बी और फीडबैक पाथ गेन दिया हुआ है सी तो यहाँ का लूप ट्रांसमिटेंस कितना होगा बी होगा तो यहाँ पे हम लोग तीन नोट्स रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे गेन दिया हुआ है इसलिए नहीं दिया होता तो दो ही नोड्स रिप्रेजेंट करते तो x1, x2, x3 नोड्स ले लिए हमने ठीक है एक्स टू इंटरमीडिएट नोड कहलाता है अब X यहाँ पे X2 टू रिप्रेजेंट करेंगे तो X1 और X2 के बीच में जो गेन आ रहा है वो A है X1 X2 को एक लाइन से जोड़ दीजिए और वहां पे एरो गेन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग मतलब ट्रांसमिटेंस A। फिर X2 और X3 के बीच में B है तो एक लाइन से रिप्रेजेंट होता है गेन तो उसको जोड़ दीजिए X2 और X3 को और उसके ऊपर B लिख दीजिए इसका गेन और एरो से रिप्रेजेंट कर दीजिए अब एक्स थ्री और एक्स टू के बीच में एक और सिग्नल है एक और गेन है वो है सी तो फिर से एक्स थ्री और एक्स टू के बीच में एक कर्व ड्रॉ कीजिए जो सिग्नल फ्लो है वो एक्स टू की तरफ होगा जैसे इसमें हो रहा है तो इस तरह से जो है हम लोग का सिग्नल फ्लो ग्राफ बनेगा इस डायग्राम का फिर ये सी को इस कर्व के ऊपर कर दीजिए, तो इस ये है है? इसके लिए, ठीक अब इसमें एक्स थ्री क्या आउटपुट वेरिएबल एक्स वन इनपुट वेरिएबल ए बी इज फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसमिटेंस बी सी इज लूप ट्रांसमिटेंस है ठीक है यहाँ पे बीसी क्या है लूप ट्रांसमिटेंस है. है? है? है वहां पे बी लूप ट्रांसमिटेंस था और ए एंड बी ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाइड बी बी इज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस है अब इस सिग्नल ग्राफ का इक्वेशंस निकाल लेते हैं ये इनपुट नोड हो गया ये इंटरमीडिएट नोड हो गया ये क्या हो गया आउटपुट नोड हो गया ठीक है अब इक्वेशंस कैसे निकालेंगे ये एक्स टू नोड है एक्स टू नोड पे दो सिग्नल्स आ रहे हैं एक सिग्नल ये आ रहा है इस एरो से और एक सिग्नल ये इनकमिंग है ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि आउटपुट सिग्नल इज़ इक्वल टू ट्रांसमिटेंस गेन मल्टीप्लाइड इनपुट सिग्नल होता है तो x2 टू इज आउटपुट सिग्नल तो यहाँ पे दो सिग्नल्स आ रहे हैं तो इस सिग्नल के लिए इनपुट क्या है x1 इस सिग्नल के लिए इनपुट X3 है तो ये दोनों का सम होगा मैंने बताया रूल्स में कि जो भी सिग्नल्स एंटर होते हैं नोड पे वो क्या होते हैं सम ऑफ सिग्नल्स एंटरिंग एट द नोड तो एक्स टू कितना होगा ए इंटू एक्स वन प्लस नेक्स्ट नोड है एक्स थ्री एक्स थ्री का इक्वेशन कैसे निकालेंगे इस नोड पे सिर्फ एक सिग्नल आ रहा है और जो तो जा रहा है उसका इक्वेशन हम लोग नहीं लिखेंगे तो जो आ रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा b इंटू एक्स टू क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिग्नल क्या है x2 इसके लिए और b क्या है इस पाथ का गेन है तो x3 थ्री इज इक्वल टू बी इंटू एक्स टू होगा ठीक है इस तरह से इक्वेशन निकालेंगे अब इस इक्वेशंस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं

ए बी का जो पाथ है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस है एल इज लूप ट्रांसमिटेंस जो इक्वल है बी सी के तो इसीलिए पे T इज इक्वल टू डिवाइड लिख दिया है next thread, next है नेक्स्ट नेक्स्ट थ्रेड क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर और यहाँ पे हम लोग के पास पांच दी है और वेरिएबल्स कितना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स सिक्स वेरिएबल्स गिवन है अब सबस्क्रिप्ट में सबसे छोटा नंबर x में किसका है x1 का तो ये इनपुट नोड होगा और सबस्क्रिप्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन है ये x6 है सिक्स सबस्क्रिप्ट में है मतलब ये आउटपुट नोड होगा ये सारे इंटरमीडिएट्स होंगे। तो इसका हम लोग को सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है इक्वेशंस देख लेते हैं कैसे आए हैं एक्स टू इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस सी एक्स थ्री सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर बहुत सारे इक्वेशन दिए हैं तो इनपुट नोड से ही हम लोग को शुरू करना है तो क्योंकि जो इनपुट नोड होता है उसमें आउट गोइंग ब्रांच होता है इसीलिए उसका इक्वेशन नहीं दिया होता उसके नेक्स्ट वाले नोड का इक्वेशन दिया रहता है तो एक्स टू इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस सी एक्स थ्री दिया हुआ है अब यहाँ पे दो सिग्नल्स का समेशन है ए, एक ए एक्स वन है मतलब इसका गेन ए होगा एक्स टू और एक्स वन के बीच में जो पाथ है उसका गेन ए होगा ए एक्स वन ड्रॉ कर दिए प्लस सी एक्स थ्री मतलब ये जो है नेक्स्ट x2 के बाद वाला नेक्स्ट नोट से आ रहा है सिग्नल तो फीडबैक सिग्नल है ये तो सी एक्स तो x3 और x2 के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे और वहां लिखेंगे c ठीक है अब नेक्स्ट इक्वेशन x3 थ्री इज इक्वल टू बी दिया हुआ है मतलब इसमें सिर्फ एक सिग्नल है तो यहाँ पे क्या होगा X2 टू इनपुट है और X3 थ्री आउटपुट है और यहाँ पे दोनों के बीच में एक लाइन जोड़ दीजिए और B लिख दीजिए उसके ऊपर B X2 हो जाएगा टू डी एक्स थ्री प्लस एफ एक्स फाइव दिया हुआ है तो X4 से पहले वाला नोड X3 है मतलब ये जो है इनपुट सिग्नल है और X4 के बाद वाला नोड X5 है ये फीडबैक सिग्नल है तो यहाँ पे लूप बनेगा X4 फोर इज इक्वल टू डी एक्स थ्री ठीक है इसका मतलब एक्स थ्री और एक्स फोर के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डी लिखेंगे उसके बाद एक्स फोर और एक्स फाइव के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे जिसका डायरेक्शन एक्स फाइव टू एक्स फोर की तरफ रहेगा और वहां पर एफ लिखेंगे तो ये इक्वेशन यहां से आएगी इनकमिंग नोड इनकमिंग सिग्नल्स क्या है दो है यहाँ पे वन टू नेक्स्ट एक्स फाइव इज इक्वल टू ई एक्स फोर मतलब एक ही सिग्नल है तो ये प्रीवियस वाला नोट दिया है मतलब ये इनपुट सिग्नल है तो एक्स फोर और एक्स फाइव के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वहां पे ऊपर में इसका गेन रिप्रेजेंट कीजिए या ट्रांसमिटेंस जिसको बोलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स सिक्स इज इक्वल टू जी एक्स फाइव तो एक्स सिक्स से प्रीवियस नोड है एक्स फाइव तो ये क्या है इनपुट सिग्नल है यानी कि आ रहा है ये तो एक्स फाइव और एक्स सिक्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए एरो और उसके गेन जी और ट्रांसमिटेंस जी तो इस तरह से हम लोग को जो है बनाना है सिग्नल फ्लोग्राफ ठीक है ये सिग्नल फ्लोग्राफ हम लोग का बन चुका है अब जब हम लोग उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का ट्रांसफर फंक्शन एक्स सिक्स बाय एक्स वन इज इक्वल टू ए बी डी जी होल डिवाइडेड बाई वन माइनस Of BC plus EF plus BCEF आता है, है है ठीक ये इक्वेशन आती ट्रांसफर फंक्शन की तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं हम लोग ब्रैकेट में प्लस एल वन एल टू यहाँ पे ठीक है ओवरऑल ट्रांसमिटेंस बिटवीन फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसमिटेंस बिटवीन एंड लूप ट्रांसमिटेंस जिसकी वैल्यू बी सी है एल टू लूप्यूफ है ये दोनों का प्रोडक्ट है बी सी एफ एल वन एल टू सो फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ मैं गेन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे So thank you very much for watching and please do subscribe my channel for more.